CSS सेलेक्टर का इस्तेमाल हम करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कलर्स प्रोवाइड आउट करने के लिए। CSS सेलेक्टर को आप अपने वेबसाइट के किसी भी एलिमेंट के ऊपर यूज कर सकते हो, आइदर इट कुड बी अ हेडिंग और इट कुड बी अ पैराग्राफ। आपको बस दो चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पर कि जब भी हम CSS सेलेक्टर की बात करते हैं हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला एलिमेंट मेरे पास सेलेक्टर होता है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी माई हेडिंग, इट कुड बी माई पैराग्राफ और इट कुड बी एनी attribute that I am using on my HTML program. And the next thing is our declaration box. Declaration box के अंदर या declaration part के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? हमारे पास हमारी declaration की property होती है, हमारे पास उसकी values होती हैं, हमारे पास एक अदद separator होता है और एक अदद हमारे पास ending declaration available होती है। तो आज जो selector के बारे में हम बात करेंगे वो हमारे पास सबसे basic selector है जो कि elementor selector कहा जाता है। elementor selector का use करने का फायदा क्या होता है कि इसको यूज कर मैं अपने वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट कंटेंट को एक कलर के अंदर जस्टिफाई कर सकती हूँ। अगर मुझे अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर अपनी H3 हेडिंग का कलर रेड कलर में चाहिए तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ स्टाइल कर सकती हूँ एक एलिमेंटर सेलेक्टर के थ्रू। आज इस प्रोग्राम में हम जो एग्जाम्पल देखेंगे एलिमेंटर सेलेक्टर की वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट पे गिवन पैराग्राफ्स के कलर्स को चेंज आउट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम लिखकर रखा है और इसमें दो पैराग्राफ्स को मेंशन आउट किया है। अब सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंटर सेलेक्टर के लिए हम अपने हेड सेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी को प्रोवाइड आउट करेंगे जो कि मेरे पास स्टाइल की प्रॉपर्टी होगी। मैंने स्टाइल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया है एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले पैराग्राफ को डिफाइन आउट कर रही हूँ। पैराग्राफ को डिफाइन आउट करने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे ताकि आपका डेकोरेशन स्टार्ट हो जाए और एंड भी आपके पास कंपाइल्ड हो जाए। अब मैं चाहती हूँ कि एलिमेंटर सेलेक्टर के थ्रू मेरे वेबसाइट के ऊपर जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो एक्वा कलर के अंदर शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी का जो है यूज करूंगी और यहाँ से कलर डिफाइन कर दूंगी एक्वा में। जैसे एक्वा कलर डिफाइन करूंगी आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि जितने भी पैराग्राफ्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो एक्वा कलर के अंदर शिफ्ट आउट हो जाएंगे। आप सेम तरीके से यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि जो मेरा यूनिवर्सल एलिमेंटर सेलेक्टर का पैराग्राफ है सिर्फ वो यहाँ पर एक्वा कलर में रहे और दूसरा पैराग्राफ व्हाइट बेस में वापस आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जिस भी पैराग्राफ को आपने यहाँ पर कंपाइल करना है आप उसको एक और एलिमेंट असाइन कर दीजिए। मिसाल के तौर पे मैं P1 अगर अपने टेक्स्ट को असाइन कर दूंगी तो आप देख सकते हो कि स्टाइल के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स होंगे वो एक्वा हो जाएंगे और उसके अलावा जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो अपने यूनिवर्सल कलर के अंदर हमारे पास रहेंगे। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर सेलेक्टर का यूज करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कलर्स प्रोवाइड आउट करते हैं।